The question given is, using Heron's formula, find the area of the triangle whose sides are 18 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter. तो ए हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है ए बी सी तो एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. अगर हम यहाँ पे देखें, ए हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और सी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर. तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू दैट इज इक्वल टू एस. ये हो जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30 बाई टू का सेंटीमीटर दैट इज 42 प्लस 30 बाई टू सेंटीमीटर दैट इज 72 बाई टू सेंटीमीटर दैट वुड गिव अस एस इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर. अब अगर हम देखें एस माइनस ए तो हो जाएगा 36 माइनस 18 दैट इज 18 सेंटीमीटर, एस माइनस बी दैट इज 36 माइनस 24 दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड एस माइनस सी दैट इज 36 माइनस 30 दैट इज 6 सेंटीमीटर. अब हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 36 को हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू 6 इंटू 18 को लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 12 को लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 6 सेंटीमीटर की पावर 4. तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 6 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमें मिलेगा एरिया इक्वल टू 6 क्यूब होता है 216 तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आवर आंसर इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर.